बोले जाने सख्यास्तव मई समृत स्नेह इत्थं भूतां प्रत्यक्षम ते निखिलम। निखिलम माने सर्वम। बोले ते माने तुमको, प्रत्यक्षम निखिलम, बहुत जल्दी तुमको सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा। तुम ये नहीं सोचना कि हम गप हाँक रहे हैं। प्रत्यक्षम ते निखिलम अचिरात, बहुत जल्दी ते तब निखिलम सर्वस्वम, संपूर्ण सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा। अप्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जैसे मान लो जितनी बड़ी बड़ी बात मैं कर रहा हूँ कि हाँ वो आभूषणों को छोड़ दी होगी, वो ऐसी की होगी, वो दिल्ली में अब फूलों को गिन रही होगी, वो सारिका से मेरे बारे में पूछ रही होगी, वो वीणा रखकर मेरे लिए गाना गा रही होगी, जो मैं ये सब कह रहा हूँ, तो कहीं मेघवा को ये ना लगे सलाह बड़ा गप हाँक रहा है, अपने मेहरारू की बड़ी बड़ाई कर रहा है। लग सकता है, कुछ ज़्यादा बोल रहा है ना। तो वो सोचा कि कहीं मैं को ऐसा ना लग जाए, तो उसने खुद ही क्लियर किया कि ए सुनो, अभी जा रहे हो ना, बहुत जल्दी तुमको प्रत्यक्ष हो जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, क्या सच है क्या झूठ है। क्या कहा कि प्रत्यक्षन्ते निखिलम भ्रातरोक्तम, हे भ्राता, ए मेरे भाई, यत मया उक्तम, यत मया, जो मेरे द्वारा कहा गया। इधर भी पीछे 8-10 श्लोकों से केवल श्रीमती जी की चर्चा चल रही है ना, तो उसने सोचा कि मैं का हाव भाव देखा कि मेघवा ये ना सोचे कि साला अपने मेहरुए मेहरारू को बतिया रहा है। तो कहा हे भ्राता, ये संबोधन है, भ्रातृ शब्द का संबोधन है भ्राता, मातृ शब्द का माता, पितृ शब्द का पिता, संबोधन बनेगा। तो हे भ्राता, हे नहीं लिखा है, भ्राता संबोधन में है, आप संबोधन का रूप ही है। भ्राता है मेरे भाई, यत मया उक्तम, जो मैंने कहा अचिरात बहुत जल्दी, ते निखिलम प्रत्यक्षम, वो तुमको सब कुछ बहुत जल्दी प्रत्यक्ष हो जाएगा। सही है, निखिलम माने संपूर्णम, प्रत्यक्षम माने नजर के सामने आ जाएगा, खुद ही जाके देख लोगे, खुद ही जाके देख लोगे तो देखना कि जो मैंने कहा है वो झूठ है कि सही है। समझ में आ गया, चार लाइन समझ में आई। प्रत्यक्षन्ते निखिलमचिरात भ्राते, तुमको लग रहा होगा कि हम बड़े वाचाल हैं, वाचाल, तीसरी लाइन देखो, वाचालम मां न खालो सुभगम मन्यम। हाँ, तो तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि ये बताया ना कि सुभगम मन्य भावः, अर्थात मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ, जिसकी प्रीतमा इस प्रकार की हो उसको सौभाग्यशाली अपने को समझे ही। सही है, तो बोले कि तुमको ये ना लगे कि हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं कि मेरी पत्नी ऐसा है मेरे लिए, जो मैंने उनको चोटी बांधी मैं ही जाके खोलूँगा, बड़ी बात है, गौरव की बात है, मैं ही उसको, मेरे लिए सारिका से पूछ रही होगी, मेरे लिए देहली पर फूल रख रही होगी, मेरे लिए भगवान से पूजा कर रही होगी, वगैरह वगैरह, पीछे के सारे श्लोकों को याद करिए। यदि इतना आप वाली भी करती है तो आप सौभाग्यशाली हैं, मान सकते हैं। और इतना कोई कर रहा है तो फिर उसके बारे में कोई वाचाल हो कोई बड़ी बात नहीं है, बोलो हाँ या ना। तो वो कह रहा कि वाचालम माम ना करो, ये ना समझना कि मैं वाचाल हूँ, वाचाल माने जो बहुत बोले, ज़्यादा बोल रहा है। तो बोले कि ये नहीं सोचना कि हम अपने आप को बड़ा सुभगम मन्य भावा, मैं अपने को बड़ा सुंदर मानता हूँ कि बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ, इसलिए मैं वाचाल हूँ, ये नहीं है। सच्चाई यही है
कि अभी तुम जाओगे, थोड़ी देर बाद आपको खुद ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। तुम ये ना सोचना कि हम अपने आप को बस सिर्फ तुम्हारी नज़रों के सामने बड़ा बनने के लिए या सौभाग्यशाली मानता हूँ वगैरह वगैरह, ये सब करने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सब प्रत्यक्षम भविष्यति, सब आपको बहुत जल्दी प्रत्यक्ष हो जाएगा। आप जाओगे, खुद ही देख लोगे कि श्रीमती जी मेरी मेरी यक्षिणी मेरे लिए ये सब करती हैं कि नहीं, और मैं किन्हीं और कारणों से वाचाल, और मैं ये जो इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ इसको मेरी केवल वाचालता ना समझी जाए। समझ में आया? तीसरी और चौथी लाइन ऊपर कहता है कि जाने साख्यास्ताव मैं संभ्रेता स्नेह। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ ऐसा? तो कहता है कि जाने मैं ये जानता हूँ, जाने उत्तम पुरुष एक बचन ज्ञा धातु का, बोले कि जाने तव सख्या, तव सख्या तव कौन है? मैं सख्या, तुम हमारे सखा हो, हम भी तुम्हारे सखा हैं, तो मेरी पत्नी तुम्हारी, तो तव सख्या मई मेरे प्रति उसका संभृत स्नेहम मना, उस वो एकदम स्नेह से लथपथ है, स्नेह से सना हुआ उसका मन मेरे प्रति, मई मुझ में, मई माने ना अहम माम मया मयम मत मम मई, समझ में आया? उसका मेरे सिवाय और दूसरा कोई नहीं है। वेद प्रकाश जी ध्यान से सुनना, मेरे सिवाय उसका, इसीलिए मैं इतना बोल रहा हूं। बात समझ में आई? यदि मेरे सिवाय कोई और होता भाई, आप उसका चोटी बनते कौन, दूसर जाके खोल दे। पहली लाइन में उसने क्लियर कर दिया क्या कि मैं जानता हूं, जाने सास्तव महिमाना संभ्रेता स्नेह अस्मात्, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मई मेरे प्रति वो संभृत स्नेहम है, उसका स्नेह मेरे प्रति, उसके मन में सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रति ही प्यार भरा हुआ है, ऐसा मैं जाने, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। वाचालता के कारण नहीं बोल रहा हूँ, और नहीं मान रहे हो तो अभी थोड़ी देर बाद तुमको सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, प्यार के कुछ परिभाषाएं हैं, अपने ऊपर भी आप लागू कर सकते हैं कि आपका मन भी ये जानता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझको ही प्यार करती हैं। यदि ऐसा ही है तो मान लीजिए उनका फोन कभी बिजी रहता है तो आप कहे लड़ते हो, यदि उनका फोन कहीं बिजी रहता है आप लड़ते हैं, तो इसका मतलब आपको शक है कि इनका मन मेरे सिवाय भी कहीं, ऐसा मुझे लगता है। जाने सख्या संभ्रेता, वो कुछ भी नहीं, देखिए बहुत दूर है, वो रामगिरी पर्वत में है, बहुत दूर है, वो सचमुच कुछ नहीं जानता, सब कल्पनाएं हैं, पर कल्पनाएं तो जबरदस्त है, वो हर कल्पना, अपनी सारिका से बातचीत भी कर रही होगी मेरी प्रियतमा, तो मेरे बारे में पूछ रही होगी कि ऐ रसिके तुमको भी उनकी याद आती है क्या, तुमको भी बहुत मानते थे वो, तुम याद करती हो क्या, पूजा भी कर रही होंगी तो उस पूजा में भी भगवान से यही मना रहे होंगे कि भगवान कब लौटेंगे वो, बोले हाँ या ना, सब चीजों में यक्ष ने यही कहा कि क्या ऐसा कर रही होगी, या तो ऐसा कर रही होगी, या तो ऐसा कर रही होगी, लेकिन जो भी कर रही होगी सब मेरे लिए कर रही होगी, ऐसा मैं जाने, यही ना लिखा, जाने सख्या स्तव मई माना संभ्रेत स्नेह इत्थं भूतां प्रथम विरहे तामहं तर्कयामि, मैं ऐसा अनुमान करता हूँ, मैं ऐसा तर्क करता हूँ, ऐसा विचार करता हूँ, ऐसा अनुमान करता हूँ उसके बारे में, चूंकि ये प्रथम विरह है, प्रथम विरहे लिखा है, क्या लिखा है? प्रथम विरह। अच्छा, प्रथम प्रथम विरह में कुछ ज्यादा ही प्यार होता है, नहीं तो मान लो आपकी पत्नी पहली बार जब आपको छोड़ के जाती है, या आपकी प्रियतमा पहली बार जब दूरी होती है, तब कुछ ज्यादा तड़प होती है। मान लो चार पांच बार आई गई, तो पहले तो जब पहली पहली बार प्रीतमा आपकी मायका छोड़ती हैं, तो देखिए बड़ा रोती हैं,
थोड़ा देखिएगा जो लोग गमने होने में अपनी मेहरारू को लेके आए होंगे साथ में, अब जाइए, 5-6 बार आई गई होंगी तब तो अच्छा मम्मी आज हम जा आए हमारे लड़कन के परीक्षा है, एको बार नहीं रोती हैं। ये प्रथम विरह समझा रहा हूँ। क्या प्रथम विरह? शायद पूछिए आप खुद से भी देखिएगा, जब आप पहली बार अपनी पत्नी को छोड़ के घर से चले होंगे तब निश्चित रूप से ऐसा मुझे लगता है कि वो रोई होंगी, चाहे दरवाजे के किनारे से ही सही रोई होंगी। पर जब आप 3-4 बार आए गए होंगे, अब शायद 5वीं 6वीं बार आते होंगे, तो शायद उस प्रकार की फीलिंग्स नहीं होती कि प्रथम विरह पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? प्रथम विरह होता ही कुछ ऐसा है, चाहे मम्मी से हो, चाहे पापा से हो, चाहे बच्चों से हो, चाहे प्रियतम से हो, प्रिय से हो, किसी से भी हो। इसीलिए यक्ष कहता है ना कि हमारा और उनका विरह ना ये पहली बार है, इसलिए बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही होगी। अब पूछे साहब से, अब साहब जाते हैं, इनकी श्रीमती जी बोले आ रहे हैं, आवा अब ये तैयार होते होंगे सवेरे, तो कहती हूँ मतलब कि आज शाम को जाएंगे, सवेरे नहीं चल जाता है पैसेंजर से, काकर में समझ जाता है। प्रथम विरह नहीं है ना, प्रथम विरह होता तो सवेरे तैयार होते ना, कहते आज सवेरे रुक जा संझा चले जाए, शाम हो जाती तो कहते आज रुक जाओगे सवेरे चले जाए काकर में। प्रथम विरह में ऐसा होता है। और अब तो ये बताते हैं कि सर हम आना नहीं चाहते, वही कहते हैं जावे ना 8 मार्च की परीक्षा, तुम्हें बैठे पिंडा पड़ता जा पढ़ाओ। इत्थम भूताम, इस प्रकार का जो इसके पहले श्लोकों में मैंने कहा, इस प्रकार का ये विरह प्रथम विरह है, इसलिए जो अभी तक पीछे के श्लोकों में मैंने बताया वो सब इत्थम भूताम, ऐसा ऐसा जो मेरी प्रियतमा मेरे बारे में सोच रही है, क्यों? चूंकि प्रथम विरह है। ऐसा आगे लिख दिया, ताम उसको यानी उस यक्षिणी को अहम तर्कयामी, मैं ये समझता हूँ कि निश्चित रूप से ऐसा होगा। क्यों? एक बड़ा रीजन देता है, चूंकि पहला विरह है। क्या है? पहला विरह है, तो निश्चित रूप से अब हमारे सिवाय उसका कोई नहीं है, तो प्रथम विरह में निश्चित रूप से उसकी ऐसी 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 ही दशा। इत्थम भूताम से सब पीछे के श्लोकों में जो कुछ बताया है यक्ष, वो सब इत्थम भूताम से हो गया। इत्थम माने इस प्रकार, तो इस प्रकार किस प्रकार जो पीछे अभी बताया गया वो सभी इस प्रकार की सारी दशा प्रथम विरह के कारण है। ताम उस यक्षिणी की, इसलिए अहम तर्कयामी ऐसा मैं सोचता। कर लेंगे इसको, यहाँ अहम से किसका बोध हुआ और ताम से यक्षिणी का, तो कहा तामाहम तर्क जाने साक्षास्तव भ्राता संबोधन किसके लिए? बहुत बढ़िया। मया यत उक्तम, मया कौन? यक्ष के लिए, और ऊपर अहम भी यक्ष के लिए है। ताम किसके लिए है और सख्या किसके लिए? माम वाचालम ना मन्य, माम वाचालम ना करोती, मैं ऐसी वाचाल नहीं हो गया, तो माम कौन? यक्ष। अब ते निखिलम प्रत्यक्षम, तुमको बहुत जल्दी, ते कौन? समझ में आ गया? इस प्रकार से पंक्ति देकर के कभी आपसे पूछ लेगा, इसको भी करेगा। यदि कहानी आप जानते हैं ना, कथानक ठीक से पढ़े, श्लोक को आपने ठीक से पढ़ा है, तो पूरी कथा में कौन शब्द किसके लिए है आप बहुत आसानी से कर लोगे, कर लेंगे ना। अब ये करोति वगैरह तो इतना तो जान ही लोगे, तर्कयामी ये भी उत्तम पुरुष का एक वचन है, तर्कयति तर्कयता तर्कयन्ति, उत्तम पुरुष में तर्कयामी बनेगा। करोति क्रि धातु का रूप है, नहीं उक्तम वच से इकता प्रत्यय लगेगा, उक्तम हो जाएगा, उक्तम माने कहा गया, मया उक्तम, और भ्राता संबोधन है किसके लिए? हाँ, मान लो इस प्रकार का सवाल है तो आप कर